सीवान जिले के मैरवा थाना परिसर में मैरवा के नए थानाध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में मुहर्रम को लेकर शांति समिति का बैठक बुलाया गया। आप सभी को बताते चले कि इस शांति समिति के बैठक में सभी सदस्य से मैरवा थाना प्रभारी ने वार्तालाप किए और मुहर्रम पर्व को शांति ढंग से किस तरह मनाया जाए उस पर भी सभी शांति समिति के सदस्यों से चर्चा किए। आप सभी को बताते चले कि शांति समिति के बैठक में तमाम शांति समिति के लोग मौजूद रहे। तो आपको हम फिर से बताते चले कि मैरवा थाना परिसर में मैरवा के नए थानाध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में मुहर्रम महापर्व को लेकर शांति समिति का बैठक बुलाया गया। बता दें कि शांति समिति के बैठक में सभी सदस्यों से मैरवा थाना प्रभारी ने वार्तालाप की और मुहर्रम पर्व को शांति ढंग तरीके से किस तरह मनाया जाए इस बिंदु पर भी चर्चा किया गया। इस शांति समिति के बैठक में रणविजय सिंह मुड़ारी पंचायत के मुखिया अजय चौहान, इंग्लिश पंचायत के मुखिया तनवीर अहमद, बमनौली पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि शशि यादव सहित संदीप तुरहा इस शांति समिति के बैठक में मैरवा थाना परिसर में मौजूद रहे। आइए हम आपको सुनाते हैं कि शांति समिति के बैठक संपन्न होने के बाद मुड़ारी पंचायत के मुखिया अजय चौहान ने क्या कुछ बताया है। ये बताइए, शांति समिति का बैठक संपन्न हुआ, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैरवा की धरती जानते हैं कितना शांति प्रिय धरती है और यहाँ आज मुहर्रम को लेकर के आज शांति समिति का बैठक किया गया था। सभी प्रबुद्ध लोग आए थे, हिंदू समाज के, मुसलमान समाज के लोग, हम लोग भी हैं, थाना प्रभारी महोदय यहाँ हैं। वार्ता हो, यहाँ पे किसी प्रकार का कंट्राडिक्शन रहा नहीं है, पूर्व में भी नहीं रहा है और उम्मीद है कि आगे भी नहीं रहेगा। तो बेहतर तरीके से सभी बिंदुओं पर चर्चा हुआ। थाना प्रभारी महोदय ने भी आश्वासन दिया कि शासन का साथ आप लोगों के साथ कदम से कदम मिला के रहेगा और यहाँ के प्रबुद्ध जन और जनप्रतिनिधियों ने भी उनको ये विश्वास दिलाया कि लोगों का सहयोग और प्यार मिलते रहता है और लोगों का ताकत आपके साथ हर वक्त। मुहर्रम पर्व को लेकर के आप लोग क्या तैयारी की? अपील करना चाहते हैं और तैयारी हम लोग की है कि शांति सौहार्द सब लोग अपने इस त्यौहार को मनाएं। तो हम सभी जनप्रतिनिधि अपनी तैयारी जो है इस बात को लेकर के कि शांति से इस त्यौहार का समापन हो जाए, तो इसी में और लोग अपील भी करना चाहते हैं कि शांति के साथ अपना त्यौहार का आनंद।